पाक भाई बहुत खतरनाक है, पाक भाई बहुत खतरनाक है। बस हवा निकल गई। पाक भाई से तू बंदा लेगा, मार और मार और मार। तुम्हारे फात भाई से जो भी पंगा लेगा ना, छोड़ेगा नहीं। ओ भाई, ओ भाई, अबे ये तो लेमड़ी निकला, अबे ये तो लेमड़ी निकला यार, गाड़ी वाला। ओ भाई, क्या पंच निकला है भाई। सब ने तो उसको लेमड़ी समझ रहा था यार, ये तो बड़ा गुस्से वाला है। उसका नाम होता है कुकरी, मतलब इससे अगर किसी को ऐसे मारते हैं ना, उसका तो दिवालिया निकल जाता है। चेक करो कैसी खतरनाक चीज है। अरे भैंस की टांग, ये चेक करो भाई चाकू। अरे भाई साहब, ये वाला चाकू चेक करो। हाथ में ऐसे करके पहना और ये यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाता है। ये लड़कियां अगर इस्तेमाल करें ना, वो बड़ा टाइट हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ पिस्तौल खानी को दे दूं। अबे नहीं यार, पिस्तौल खानी के हाथ ही इतने मजबूत है, वो एक पंच मारेगी वो बंदा ही मर जाएगा। ये चेक करो, ये घुमाया, ऐसे करके पकड़ा, ऐसे करके कत्ल कर दिया, काट दिया सामने वाले को। मतलब जो लेगा पंगा वो तो खत्म है। अरे हल्के में आजा भाई, ये तो राम राम भाई सारे आने वाला लग रहा है यार, इसकी तो शक्ल उसी से मिल रही है। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भाई आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ ना, तुम लोगों की सोच के और सुन गई हवा खुश हो जाएगी। तुम लोग सोच रहे होगे फात भाई ये रोड पे कहाँ आ गए। अबे रोड पे कौन सी पंचायत होती है, इंस्टाग्राम की रील की तरह फात भाई कहीं रोड पे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तुम लोग बोलते हो फात भाई का जिम जाने के पैसे नहीं है, फात भाई को जिम पसंद ही नहीं है। जिम में होता क्या है, वजन उठाते हैं। अबे वजन तो गधा भी उठा लेता है। तुम लोग सोच रहे होगे फात भाई की ये सनी देओल से इतने बॉडी शॉडी कैसे बन गई यार। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या। ये इतनी बड़ी पंचायत मार के बनी है ना, तुम्हारी सोच है। फात भाई ने जो कांड किए है ना, वो तुम लोग अगर बता दिए ना, तुम लोग ही फट जाए। तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक एथलीट है, जो अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग से ट्रेनिंग करता है। तुम लोग तो पल्ले नहीं पड़ेगा यार। रात के काले अंधेरे में एक पुल के नीचे सोचो क्या हो रहा होगा। पुल के नीचे सिर्फ चर्सियों के अलावा कोई नहीं होता। मतलब चर्सियों का प्रोटोकॉल चेक करो, ऐसे शेड लगा के अंदर चर्सियों को प्रमोट किया जा रहा है। पुल के नीचे चर्सी बैठा हुआ है और ये बड़ा खतरनाक चर्सी है भाई साहब। सो रहा है भाई, इसको तो अपना भी होश नहीं है। तुम लोगों को तो पता है ना, पुल के नीचे सिर्फ चर्सी होते हैं, उनका घर ही पुल के नीचे होता है। इस पुल के नीचे चर्सी नहीं बैठते, इस पुल के नीचे एक अलग ही पंचायत है। चलो आओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, लेट्स गो। खुल जा सिम सिम। अरे भाई साहब, ये चेक करो, ये क्या सीन चल रहा है। अरे भैंस की टांग। अरे भाई साहब, ये तो घुसते ही बंदर की तरह ये तो ऊपर चढ़े हैं। अरे भाई साहब, अरे भैंस की टांग। अरे भाई साहब आराम से। अबे क्या हो गया भाई साहब, ये तो चढ़े ही जा रहा है। खतरनाक बंदा है यार, इसकी बॉडी भी बड़ी खतरनाक है। अबे ये तो बंदर की तरह ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है यार। अभी क्या कर रहा है भाई साहब। अरे भैंस की टांग, ये तो बंदर की तरह लटक गया भाई साहब। ये चेक करो। अरे भिड़ू, ये क्या सीन चल रहा है भाई साहब। मतलब चेक करो कितना खतरनाक सीन है, मतलब बंदा ही उल्टा लटक गया यार। अबे भाई साहब नीचे आजा, क्या कर रहा है यार। अबे अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई भाई। मतलब चेक कर रहे हो पुल के नीचे कैसी पंचायत है, जहाँ तो भाई साहब सनी देओल सी बाडी बन रही है। भाई साहब फुल टाइम देसी बंदा है, देसी अंडे, देसी चेस। इसके पास एब्स नहीं है, मगर कोई बात नहीं यार, देसी वाले के एब्स नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं होता। तुम लोगों को पता नहीं कब समझ आएगा यार, तुम लोगों को नहीं पता फात भाई की सनी देओल सी बाडी है। सिस्टम फाड़ देंगे। अरे भाई साहब, ये तो बुरखा एवेंजर है, खतरनाक वाली। अरे ये तो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, मगर ये तो ऐसे किकिंग मार रही है। मतलब यार अगर किसी लड़के ने इनसे लिया पंगा वो तो हो जाएगा नंगा। यार इतनी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, मगर ये तो बड़ी शपाटर है यार। अरे भाई साहब इतनी सी बच्ची है, मतलब चेक करो किक कितनी जोर से मार रही है। सोचो अगर ये किसी लौंडे को लग गई, उसका तो दिवालिया निकल जाए। अबे ये तो अभी अंडे से निकला है, अभी से खतरनाक हो गया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। अबे बस भाई किसको मारने का इरादा है। अब भाई इतना सा बच्चा है मगर बड़ा शपाटर है यार, ये बहुत खतरनाक है। मतलब यार इतनी छोटी सी उम्र में इतना खतरनाक बच्चा। कोई अगर मुझसे पंगा लेगा ना, मैं उसको भाई साहब यार ये तो बहुत खतरनाक और शपाटर बच्ची है। मतलब कह रही है कोई अगर मुझसे पंगा लेगा ना, मैं उसको फोड़ दूंगी। मतलब यार तुम लोगों को यकीन आ रहा है कि इतनी बाप जगह और इतना बाप कराटे का क्लब पुल के नीचे बना हुआ है यार। आओ मैं तुम लोगों को पूरा क्लब दिखाता हूँ, मतलब तुम लोग देख के शॉक्ड हो जाओगे। मतलब चेक करो यार, एक दौर में यहाँ पर चर्ची वगैरह बैठा हुआ करते थे। ये तो बड़ा खतरनाक क्लब बना हुआ है यार। मतलब यार यहाँ पर बड़ी खतरनाक फेंक दिया बंदे को भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग चल रही है। और क्लब चेक करो यार, मतलब कितना खतरनाक है। अरे भाई साहब अबे भाई हल्का हो जा, किसको मार रहा है, कौन है इधर। अबे कोई भी तो नहीं है, ये बहुत खतरनाक।
मतलब यार ये क्या सीन है, एक पुल के नीचे इतना ज्यादा आलिशान और बाप क्लब। फहद भाई जिम में नहीं जाता, फहद भाई ऐसी जगह पर आता है, जबी तो सनी देओल सी बाटी बन गई है फहद भाई की। तुम लोगों में से अगर किसी ने भी फहद भाई से पंगा लेने का सोचा ना, तो फहद भाई पता है उसके साथ क्या करेगा? फहद भाई ऐसे करके उठाएगा और ऐसे करके फेंक देगा। मतलब समझ रहे हो, फहद भाई हल्के में आता ही नहीं है। वे फिर खड़ा हो गया तू, तेरी ऐसी की तैसी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। फहद भाई बहुत खतरनाक है, फहद भाई बहुत खतरनाक है। बस हवा निकल गई। फहद भाई से तू बंदा लेगा। मार और मार और मार। तुम्हारे फहद भाई से जो भी पंगा लेगा ना, छोड़ेगा नहीं। हम लोग सोचते होंगे फहद भाई की सनी देओल सी बॉडी बनी कैसे, ऐसी वाली एक्सरसाइजेस करने से बनी है फहद भाई की बॉडी। ये चेक करो भाई साहब, ये चेक करो, ये पुशअप्स कर रहा है। ओ भाई साहब, ये तो फुल खतरनाक वाला लेमड़ी है। अबे भाई साहब सीना बाहर आ जाएगा, इतना क्यों निकाल रहा है यार। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे हल्के में आ जा भाई, ये तो राम राम भाई सारे आने वाला लग रहा है यार। इसकी तो शक्ल उसी से मिल रही है यार। इस बंदे की भी सनी देओल सी बॉडी है यार। भाई साहब ये अंडा चेक करो, फुल टाइम देसी अंडा है, और एज भी फुल देसी, ये अंडा भी फुल देसी। और यार इस बंदे के कान भी टूटे हैं। ये आप क्या एमएमए फाइटिंग करते हो? बिल्कुल एमएमए फाइट करता हूं। अरे भाई साहब ये शक्ल से बड़ा खतरनाक लग रहा है। भाई साहब ये जिन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अरे भैंस की टांग, अरे भैंस की टांग, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई साहब। लौंडा यही वाली आपका भाई ट्रेनिंग कर। जबी तो फहद भाई की सनी देओल सी बॉडी बन गई। भाई साहब ये तो फुल जिन का बच्चा लग रहा है, खतरनाक वाला। बताओ तुम लोग, फहद भाई की इससे ज्यादा बॉडी है या इस देसी बंदे की सबसे ज्यादा बॉडी है? ये तो फुल जिन है यार। भाई साहब फुल देसी और फुल चौड़ा देखो कितना है। अबे इतना लंबा चौड़ा खतरनाक बंदा है। आपका भाई भी शर्ट उतार के दिखाता है यार, बस पिस्तौल खाने की तरफ से अलाव नहीं है। अरे भाई साहब तो पंचायत होने वाली है। अरे भाई साहब मत तो चेक करो यार, कितना खतरनाक सीन है। अरे लौंडे ये तो बड़ा चपाटा है। अरे भाई साहब अभी ये तो बंदर की तरफ घूमने जा रहा है। अरे बूढ़ी भाई साहब बड़ा टाइट है यार ये बंदा। बेहतरीन यार। अरे भैंस की टांग। अरे भाई साहब चलो यार फहद भाई भी चेक करते हैं करके। फहद भाई को तुमने हल्के में लिया हुआ है क्या? यार मैंने तो सुना था पुल के नीचे चर्सी बैठते हैं, मगर यार यहाँ तो बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं यार। अरे भाई साहब वर्कआउट ऐसा करो कि लोग बोले यार इसकी तो सनी देओल सी बॉडी है, और पसीना ऐसे निकालो जैसे लोग बोले अबे क्या नहा के आया है क्या। चेक करो कितने खतरनाक खतरनाक लोग हैं। इसमें कुछ लेमड़ी वाले भी हैं, जैसे ये बंदा थोड़ा सा लेमड़ी है, मगर ये भी बहुत बाप है। ये लोग सब लोग देसी है खतरनाक। चेक करो यार अंडो, चेक करो। भाई साहब आपसे तो डर लग रहा है मुझे, कहीं आप मुझे खाई ना जाओ। यार ऐसी खूबसूरत दाढ़ी हो, ऐसी खूबसूरत सी बॉडी हो, मतलब उसपे तो बच्चियां फ्लैट हो जाती है। अरे मुझे लगता है बॉक्सिंग की फाइट होने वाली है। अरे भाई साहब खतरनाक वाला सीन होने वाला है यार। ये थोड़ा सा लेमड़ी लग रहा है, ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, इसकी दाढ़ी भी बड़ी खतरनाक। अरे भाई साहब फाइट स्टार्ट हो गई। ओ भाई, ओ भाई, अबे पानी नहीं है नलके में, तू आ जा नलके में। अबे लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो यार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओए होए होए भाई साहब, ओए होए होए भाई साहब, क्या पंच मारा। अरे भैंस की टांग, अरे भैंस की टांग। ओ भाई, ओ भाई, अरे भाई साहब यार ये तो बहुत खतरनाक लड़ रहे हैं यार ये लोग, कहीं मुझे भी ना मार दे। अबे कोई रुकवा यार, लड़ाई वड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो यार। अरे भैंस की टांग, ओ भाई, ओ भाई, अरे भैंस की टांग। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अबे पुल के नीचे क्या खड्डा चल रहा है भाई साहब, यहाँ तो चर्सी होते थे। अरे भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, अबे ये तो लेमड़ी निकला, अबे ये तो लेमड़ी निकला यार गाड़ी वाला। ओए भाई क्या पंच निकला है भाई साहब, मैं तो उसको लेमड़ी समझ रहा था यार, ये तो बड़ा गुस्से वाला है। अबे भाई साहब इसका गुस्सा चेक करो। अरे भाई साहब इसको तो फुल टाइम गुस्सा हो रहा है भाई। भाई पानी नहीं है हल्के में, तू आ जा हल्के में। यार मैं तो समझ रहा था ये कोई लेमड़ी सा बंदा है, मगर यार ये तो सबसे खतरनाक निकला, ये तो छोटा डॉन निकला यार। भाई साहब दोबारा से फाइट स्टार्ट हो गई है, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यार वो बंदा डर रहा है यार जिसको मैं लेमड़ी नहीं समझ रहा था, ये लेमड़ी है मगर ये तो मार रहा है यार। ओ भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई खतरनाक। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ भाई भैंस की टांग हो गई। अरे भाई, अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या पंच मारा, भैंस की टांग हो गई यार। यार ये दोनों लौंडे तो बड़े खतरनाक निकले यार। ओ भाई साहब,
ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई साहब, चेक करते हैं दोनों में से कौन जीता यार। अरे भाई साहब बहुत आला यार, इस वाले लौंडे को तो मैं लिमड़ी समझ रहा था, मगर ये तो बड़ा खतरनाक निकला यार। भाई साहब लड़ाई के बाद ये क्या सीन हो रहा है यार, ऐसे तो बीवियां शौहरों से लड़ने के बाद करती हैं यार। यार इतनी मोहब्बत मत दिखाओ यार, बस करो यार, लड़ाई हो गई है, बस जाओ यार, हटो यार। भाई साहब इस बंदे की जो भी फाइट होती ना, ये चेक करो, इसके चोट लगी है खतरनाक वाली, इधर भी लग गई यार, इधर भी लग गई है भैंस की टांग। अबे भाई साहब ये क्या कर रहा है यार, अबे लोगों से पैरों पे नहीं चला जाता, ये तो हाथों पे चल रहा है यार, ये तो कोई और ही मखलूक लग रही है यार। अबे बस कर भाई, नागन आ गया। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भैंस की टांग हो गई यार। अरे भाई साहब नंगे पंगे आपस में ऐसे चल रहे हैं यार, बिड़ू ये क्या चल रहा है भाई साहब, अरे चक्का चुक्की चल रही है। अरे भैंस की टांग, अरे भाई साहब, अरे भाई ये तो कुछ अलग ही पंचायत है यार, यार ये तो कोई अलग ही मखलूक लग रही है यार। अरे भैंस की टांग, अरे भाई साहब, अरे भैंस साहब, अरे भैंस की टांग। अबे बंदे ने अगर किसी को पकड़ लिया ऐसे, उसका तो दिवालिया निकल जाएगा यार। यार बाहर वाले लोग समझेंगे अंदर चर्सी होते हैं, मगर यहाँ तो कुछ और ही पंचायत हो रही है यार। सोचो फात भाई से बंदे ने पंगा ले लिया है, और फात भाई के सामने वो बंदा खड़ा हुआ है, और फात भाई ने बोला क्या मसला है तेरे साथ। दादा फात भाई के सामने चौड़ापे करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें फात भाई एक ऐसी लात मारेगा ना, तुम मेरे सामने ना ऐसे गिरे होगे। बड़ा आया साला देश का बच्चा, तू लेगा ना फात भाई से पंगा, तेरी ऐसी की तैसी। जो भी फात भाई से पंगा लेगा ना, वो हो जाएगा नंगा। भाई साहब ये चेक करो, यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, मतलब यार इतने सारे गोल्ड मेडल, खतरनाक खतरनाक खंजर, और ये चेक करो यार इतने सारे बेल्ट, और यार ये गोल्ड मेडल भी इतने सारे हैं यार यहाँ पे तो। भाई साहब ये चेक करो कितनी पुरानी पिक्चर है, आंटी तो बड़ी सपाटर है यार। फात भाई का इतना ज्यादा वजन है, उसके बावजूद भी फात भाई यार बैक फ्लिप मारता है। ये चेक करो फात भाई का वजन है कितना, ये चेक करो फात भाई का वजन है तकरीबन 100 किलो, और सोचो इस 100 किलो के अंदर फात भाई बैक फ्लिप मारता है, खतरनाक है नहीं। फिर फात भाई सनी देओल सी बड्डी जैसा, तुम लोगों को तो पता है फात भाई ये फुल टाइम चैंपियन, और फात भाई तुम लोगों को एक ऐसी चीज दिखाएगा जिसको फात भाई बोलता है बम्बू। जो लेगा फात भाई से पंगा, फात भाई उसको अंदर चढ़ा देगा बम्बू। ये चेक करो ये है बम्बू, ऐसा करके चढ़ता है करो यार, ये कितना लंबा और कितना वजनी है यार। तुम लोगों ने अगर फात भाई को हल्के में लिया ना, फात भाई बिल्कुल भी हल्के में नहीं आते, चेक करना। ये सब लोग मेरे को पकड़ के मारेंगे, मगर फात भाई को कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब मतलब ये जिन जैसा बंदा मेरे से बोल रहा है आम रेसलिंग का मुकाबला करो, ये तो ऐसे देख रहे हैं मेरे को, पता नहीं खा जाएंगे ये सारे। यार मैं तो हार जाता हूँ यार सबसे। आओ यार आओ, इस तरफ आओ यार, मेरे से उस तरफ से नहीं लड़ाया जाता, डर लगता है उस तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसम से मेरा ना डर लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं। अबे थोड़ा हाथ तो यहाँ रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से। अबे एक मिनट रुक जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 गो। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तुम हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। चलो यार ये जाइंट बंदे से एक और ट्राई कर लेते हैं। चलो क्यों लगा लगा जान लगा जान लगा कल आइयो खुशबू लगा के। अबे भाई साहब ये तो सारे एक साथ लगाने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 गो। यार तुम्हारा साबुन सिलो है। अबे आज कोई ज्यादा चौड़ापे नहीं हो रहे, मेरा हाथ ही इंजर्ड ना हो जाए। भाई साहब ये बंदा लग रहा है बड़ा खतरनाक मुझे। 1 2 3 गो। अरे भाई साहब इसने तो रोक लिया भाई। भाई साहब ये तीनों एक साथ पंजे लगाने वाले फात भाई से, देखते हैं मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। अबे भाई साहब इतनी ज्यादती मत करो बंदे के साथ। अबे एक मिनट छोड़ दो भाई, तीनों एक साथ पंजे लगा रहे हैं। 1 2 3 गो। बेटा सोच लो, फिर भी फात भाई ने इतनी जान लगा के इनको रोक लिया, इनकी हवा टाइट कर दी। अबे इनकी कहीं नीचे से गीली तो नहीं हो गई। ये जो तुम्हारे चेस है ना, इसमें गायनों का मसला है, ये जो ऐसे नोक निकली होती है ना, इधर गायनों का मसला है। देखो तकलीफ हो रही है, इधर एक गुठली बनी हुई है तुम्हारे, यहाँ पे भी एक गुठली बनी है, ये देखो ना ऐसे नोक निकली हुई है। एक्सरसाइज किया करो, और ना इसकी सर्जरी होती है, जो गायना हो जाता है ना इसकी सर्जरी होती है, ये फिर ठीक हो जाएगा। अबे टेंशन लेने का नहीं देने का यार, इंजरीज तो होती रहती है।
अबे भाई ये क्या सीन है, दो दो मुंह। अबे मुझे लग रहा है ये कोई पंचायत है यार। अबे भाई साहब ये क्या चिपका चुपकी चल रही है यार। अबे ये कौन सा स्टाइल है यार। अरे भाई साहब ये चेक करो, शिन को मजबूत करने के लिए ये क्या पंचायत मार रहे हैं। ये लकड़ी ऐसे रगड़ रगड़ के फुल लाल कर दिया यार ये जगह। ये देखो यार कितना प्यारा और कितना खूबसूरत क्लब बनाया हुआ है, मतलब पुल के नीचे है यार। ये लग रहा है कहीं से ये पुल के नीचे की जगह है। पहले इस जगह पर चर्सी वगैरह बैठा करते थे, अब फुल एमएमए का सेटअप लगा हुआ है भाई साहब। मैं जब इधर आया था ना मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये पुल के नीचे है। अरे भाई साहब ये तो मंजुली का लग रही है यार। अरे भाई साहब मंजुली का कहां से आ गई है। अबे भैंस की आंख, अबे ये तो उल्टा लटके में यार। अबे भाई बस करो यार, नीचे आ जाओ, क्या सीन चल रहा है। अरे 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 हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे रुक तो जाओ। अरे भैंस की आंख, अबे ये तो रुक ही नहीं रहा यार। अबे क्या कीड़ा वीड़ा घुस गया क्या। अरे भैंस की आंख, अरे भैंस की आंख, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अबे सच में यार इसके अंदर कोई कीड़ा घुस गया है। अरे भैंस की आंख, भाई साहब हल्के में आ जाओ। भाई साहब पानी नहीं है, हल्के में आप आ जाओ, हल्के में। कोई कीड़ा शीड़ा तो नहीं घुसा हुआ कहीं। अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, अबे भाई एक मिनट रुक जाओ यार। अरे भैंस की आंख, अरे भाई सबर करो। अरे भाई क्या हो गया, हल्के में आ जा, पानी नहीं हल्के में, तू आ जा हल्के में। भाई इसके पीछे तुम लोगों को दिखाता हूँ, रोड चल रहा है यार। ये चेक करो, मतलब पुल के नीचे। हाय क्या ले। ये चेक करो आपके भाई का लव, ये पता है तुम लोगों को क्या है। ये है कताना, वो भी बड़ी खतरनाक वाली। ये चेक करो भाई साहब कैसी खतरनाक तलवार है। ये अगर किसी के अंदर घुस जाती है ना, उसका तो दिवालिया निकल जाता है। ये तलवार बहुत ही कोई ज्यादा खतरनाक तलवार है, मतलब बहुत ही नस्ली तलवार है। इसको अंदर डाल लेते हैं इससे पहले कि आपके फात भाई के सामने कोई आए और वो मर जाए। ये चेक करो कताना का बच्चा, और ये भी ऐसे करके आपका भाई घुसा देता है, मतलब किसी के पेट में डालनी हो तो ऐसे डाल दे बंदा, क्योंकि आपका भाई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोई लेगा फात भाई से पंगा, खच 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 खच, मतलब उसका हो गया काम तमाम। ये चेक करो भाई साहब इसकी धार भी बड़ी खतरनाक है, ये देख रहे हो इसकी धार, ये अगर किसी के मुंह पे लग गई ना वो तो गया। भाई साहब ये तलवारें नहीं, फात भाई का फर्स्ट लव है, पहला प्यार। भाई साहब ये चीजें चेक करो कैसी खतरनाक खतरनाक है। अरे भाई ये चाकू चेक करो भाई साहब, अगर ये किसी के अंदर घुस जाता है उसका तो दिवालिया निकल जाएगा यार। ये हमारा सर्वाइवल कॉम्बैक सिस्टम है, उसमें हम नाइफ टेक्निक सिखाते हैं सर्वाइवल के लिए। अरे भाई साहब बड़ा खतरनाक सीन है। भाई साहब इसका नाम होता है कुकरी, मतलब इससे अगर किसी को ऐसे मारते हैं ना उसका तो दिवालिया निकल जाता है। चेक करो कैसी खतरनाक चीज है। अरे भैंस की टांग, ये चेक करो भाई चाकू। अरे भाई साहब ये वाला चाकू चेक करो भाई, ये चाकू इसलिए रखे हुए इससे बचने का तरीका सिखाते हैं आप। अरे भाई साहब, भाई साहब ये चाकू चेक करो, ये आपके भाई का लव है, लव। इसको रखता है ना जब आपका भाई, मतलब आपके भाई को दिल को सुकून मिलता है। ये क्या है भाई। भाई साहब ये चेक करो। अरे भैंस की आंख, ये किसी को ऐसे हिट करते हैं। ये पुलिस वालों के पास होती है, बेसिकली अमेरिकन पुलिस सिस्टम में, और ये अगर किसी को लग जाए तो वो बंदा वहीं बैठ जाता है। ओ भाई। अरे भाई साहब ये छोटी सी लेमड़ी, ये क्या चीज है, ये अंदर घुस जाए बंदा फाड़ देता है। अरे भाई साहब यार वैसे ये लड़कियों को रखना चाहिए छोटा सा, और ये देखो छोटा सा है मगर काम अपना पूरा करता है। इसके मुक्के पे ये चीज बनी है, अगर ये किसी के अंदर ऐसे घुस जाता है उसकी तो वाट लग जाती है यार। हाथ में ऐसे करके पहना और ये यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाता है। ये लड़कियां अगर इस्तेमाल करें ना वो बड़ा टाइट हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ पिस्तौल खानी को दे दूं। अबे नहीं यार, पिस्तौल खानी के हाथ ही इतने मजबूत है, वो एक पंच मारेगी वो बंदा ही मर जाएगा। भाई साहब ये चेक करो, ये ऐसे 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 करके घुमाते हैं और ये करके पकड़ता है और ये। अरे भाई साहब मतलब खतरनाक चीज है नहीं है। फिर ये चेक करो भाई साहब इसका रेम्बो, मतलब सामने वाले को देख के उसकी दूर से हालत पतली हो जाएगी। ये चेक करो, ये घुमाया ऐसे करके पकड़ा, ऐसे करके कत्ल कर दिया, काट दिया सामने वाले को, मतलब जो लेगा पंगा वो तो खत्म है। ये देखो यार हमारे चर्सी भाइयों को बाहर निकाल दिया, ये लोग यहीं आके सो रहे हैं। यार इन बेचारों का कोई घर वर नहीं होता यार, मेरा तो दिल चाहता है इनको कोई घर वर दिला दूं। फुल नशे में ये लोग, वो देखो एक बेचारा नशे में, ये भी नशे में, वो भी नशे में। यार अल्लाह ताला बस सबको महफूज रखे, ऐसे नशे से बचाए यार। क्या कर रहे हो सर, खाना खा रहा है? सालन पड़ा था वो खा रहे हो? कचरे से सालन खाना निकाल रहे हो? तो ये तो कचरे का डब्बा है पूरा, ये गंदगी है। अबे तो ये पूरा गंदा डब्बा है, इसमें क्या कर रहा है तू? बाहर आ, चल छोड़ दे, ये क्या खा रहा है? खा रहे थे इसको? ये ऊपर पड़ा हुआ। अच्छा नशा तो नहीं करेगा, पक्की बात है? तो कचरे के डब्बे में बैठ के खाना कौन खाता है? ये पकड़,
चल जा कहीं और जाके खाइयो बैठ के। भाई मतलब कचरे के डब्बे के अंदर बैठ के ये खाना खा रहा था जिसमें दुनिया जहान का कचरा होता है, अल्लाह जाने पता नहीं उसमें क्या क्या गलाजत होती है। उसके अंदर बैठ के चिकन की बोटियां थी, उसको नोच नोच के खा रहा था, वो भी किसी ने खा के ऐसे फेंकी हुई थी। अल्लाह ताला का हर हाल में तुम लोग शुक्र अदा करा करो यार।